देखिए यहाँ पर लिखा है बालरिया चंद्रावती गंज सांवेर चित्तौड़। बालरिया यहाँ से सीधा रूट है और चंद्रावती गंज यहाँ से लेफ्ट लेंगे लेफ्ट, और सांवेर के लिए राइट, यहाँ से सीधा सांवेर के लिए है। और यहाँ पर होटल्स भी वगैरह भी है और यहाँ पर किराना की दुकान है, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। तो अभी हमें जाना है चित्तौड़, तो यही है ना, और हमें जाना है चंद्रावती गंज की तरफ है ना, और जिधर से उज्जैन का रास्ता आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं वहाँ से, हम गाड़ी शुरू करते हैं। हमने गाड़ी अभी बंद कर दी थी, यहाँ पर रुक गए हम, ये चौराहा है। तो चंद्रावती गंज की तरफ देखिए दूसरी गाड़ी है, इसमें दूध लेके आ जाते हैं। गांव में जो पूजा करते हैं, यहाँ पर शराब खाने बच्चे हैं, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए हम निकल पड़े हैं, अब आपको हम आपको बताएंगे और रास्ते भी और गांव भी जो भी रास्ते में आएंगे, और उज्जैन जाने का रास्ता, और जो हम गांव जा रहे हैं वो भी उज्जैन में ही आता है। उज्जैन वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर ही है, और हम रास्ते गौतमपुरा यहां से 25 किलोमीटर दूर है यहां से, और बहुत अच्छा शानदार रोड बना हुआ है। हम सांवेर में सांवेर से भी आ सकते थे इस रोड पर, बट हम आए नहीं, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और मुझे ज़ोर से भी बोलना पड़ रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा नजराना है, पानी करने के लिए भी आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं। ये है हमारा भारत देश हरा भरा। मैं से भारत के हर छोटे से छोटे गांव जाना चाहता हूँ, वहाँ की जो भी संस्कृति है, जो भी लोकगीत है, उनको देखना चाहता हूँ। अगर आप भी ऐसा मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही 24 किलोमीटर चंद्रावती गंज 6 किलोमीटर है यहाँ से, पर हमें चंद्रावती गंज मतलब उसे कहते हैं फतियाबाद, जहाँ का रेलवे स्टेशन पे जाके गुलाब जामुन बहुत फेमस है। और जब मैं छोटा था तो ट्रेन से जाता था उस रूट पर, और वहाँ पर गुलाब जामुन खाते थे हम। हमारी ट्रेन भी छोटी लाइन जो अभी बंद हो चुकी, अब तो स्टेशन पर जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे गांव की ट्रेन अब बंद हो चुकी है। ठीक है, अब हमें यहां से आगे से राइट टर्न लेना है। ठीक है, वो साइन बोर्ड भी आ चुका है, साइन बोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। कांकारिया लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, यहाँ से हमें राइट लेना है या और चंद्रावती, और यहाँ पर बहुत आसानी से राइट लीजिएगा। पीछे देख लीजिएगा पूरा के पीछे तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, और ये देखिए, चलिए हम ये चंद्रावती गंज सीधे है और हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं। देखिए हम जो गांव जाना है, यहाँ से 6 किलोमीटर है लेकोड़ा गाँव, और यहाँ से लेकोड़ा गांव के लिए ये देखिए, और यहाँ पर ये पहले रोड बहुत काफ़ी ख़राब था, मतलब ख़राब था कि गड्ढे बहुत सारे थे, कच्चा रोड था, पर अब बन चुका है। और ये तालाब है लेकोड़ा गांव, मतलब जैसे ही हम लेकोड़ा गांव के लिए घूमते हैं टर्न लेते हैं, ये शमशान है इधर। और ये देखिए यहाँ पर पानी भर जाता है इस तालाब में भी। मैं आपको लेकोड़ा गांव पूरा दिखाऊंगा, मतलब हाँ रास्ता है जो हम पहुंचने वाले 6 किलोमीटर और बचा हुआ है, और आगे कंकारिया गांव भी आएगा।
फिर से बोर्ड आ चुका है जिस पे लिखा है लेबोड़ा 5 किलोमीटर। अच्छा मौसम लग रहा है, हर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, बाइक से चल रहा हूँ।
देखिए रास्ता काफ़ी अच्छा हो चुका है, पहले यहाँ पर कच्चा रास्ता था और इस रास्ते से हम उज्जैन भी जा सकते हैं। देखिए लेकोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। देखिए रास्ता बहुत अच्छा है, सागौन के पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कहते हैं कि सागौन की खेती कर लो बहुत सालों साल 20 साल तक काफ़ी कमाई होती है। ये देखिए कितना अच्छा घर बना हुआ है, काशी भवन सांवेरिया नंदेर लेकोड़ा, ये गांव लग चुका है लेकोड़ा गांव। देखिए ये गांव है, ये भी पूरा गांव है हमारा लेकोड़ा गांव शुरू हो चुका है। ज़्यादा तो मैं इस गांव के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, बट हाँ किसी ना किसी से हम बात करेंगे ज़रूर यहाँ पर। और इधर से भी रास्ता है अंदर जाने का गांव में, इधर से भी रास्ता है गांव में जाने का, हम गांव के रास्ते जा सकते हैं। यहाँ पर होटल भी बनी हुई है, सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ के खेत है, देखिए मंदिर बना हुआ है वहाँ पर छोटा सा। देखिए ये लेकोड़ा गांव आ चुका है यहाँ पर, और मैं आपको लेकोड़ा गांव घुमाऊंगा दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पर बस स्टैंड भी है, ये लिखा है लेकोड़ा बस स्टैंड। इस तरफ से जाते हैं और भी गांव आते हैं, ये आ चुका है बट हम यहाँ से लेफ्ट तरफ मुड़ चुके हैं। ये गांव है लेकोड़ा गांव, जहाँ के मेरे पापा रहने वाले और हम सब रहने वाले हैं यहाँ के। और ये गांव आ चुका है, और ये सरकारी स्कूल है, स्कूल के यहाँ पर है और यहीं पर ही ये देखिए अभी मैं आपको आऊँगा, पैदल आऊँगा यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊँगा स्कूल बड़े नज़दीक से। ये स्कूल आ चुका है, ये लेकोड़ा गांव है मेरा। ये मेरे गांव के घर की रास्ता, अब हम ये लेकोड़ा गांव है और इस तरफ जाएंगे तो मेरा घर आएगा और मैं घर जा रहा हूँ। और वो मेरे अंकल की लड़की है छोटी सी, और वो मेरा भांजा है। ये मेरा गांव है और हम चलते हैं अब अंदर। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।